हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। किसानों को फ्री बिजली, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी का वादा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को इसे जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी ने प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति महीने करने का वादा किया गया है। हर कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरित करने की बात कही गई है। अगले 5 साल में हर परिवार में कम से कम रोजगार या स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने का वादा किया गया है। प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्र से भरने का वादा किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का वादा किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान स्थापित करने का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहले स्थान पर लाने का वादा करते हुए हर व्यक्ति की आय को दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में 5 साल में 10,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया और आगे भी पूरा करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल के बाद यूपी में दंगे समाप्त हो गए हैं। आज कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। हर बेटी बेखौफ स्कूल जाती है। बहन बेटियों को बाहर जाने में कोई संकोच नहीं होता। जागरूक TV की लखनऊ से खास रिपोर्ट।